और चलिए एक बार फिर से आपको उत्तराखंड के देहरादून से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां समिट चल रहा है और पीएम मोदी मंच पर मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी का उन्होंने स्वागत किया और जैसा कि इससे पहले आप सभी ने उनका संबोधन भी सुना था। पहली है थ्रोन्स ऑफ गॉड, ये पुस्तक उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में इंडो तिब्बत और इंडो नेपाल बॉर्डर से लगी तीन सुंदर घाटियों व्यान चौंदास और डर्मा की संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य एवं लोक कथाओं का मनोरम चित्रण है। दूसरी किताब है क्राफ्ट्स ऑफ उत्तराखंड, इस पुस्तक में परंपरागत एवं जीवान शिल्पों का संरक्षण, प्रदर्शन एवं अभिलेखीकरण किया गया है। पुस्तक लेखन में देश के प्रमुख डिजाइन संस्थानों के डिजाइनर्स ने न सिर्फ परंपरागत शिल्पों की विकास यात्रा को दर्शाया है, वरन शिल्पों की निर्माण तकनीक का भी चित्रण किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जौनसारी वस्त्र, लॉन्ग कोट जिसे जौनसारी में चौड़ी भी कहा जाता है, भेंट करें। उत्तराखंड के यमुना और टोंस नदी के बीच में बसा जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर के निवासियों का मुख्य कार्य कृषि का। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि हम सभी को प्रेरणा दें, हमारा मार्गदर्शन करें। उत्तराखंड के राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे तमाम सहयोगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, उत्तराखंड कैबिनेट के सभी सदस्यगण, सिंगापुर के सूचना प्रसारण मंत्री श्री एस ईश्वरन जी, जापान एवं चेक रिपब्लिक के राजदूत, देश विदेश से पधारे तमाम उद्यमी साथियों, देवियों और सज्जनों, बाबा केदार की छत्र छाया में चार धाम की पवित्रता के लिए देवधरा उत्तराखंड में पधारे देश विदेश के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन है। मुझे विश्वास है कि आप यहां देवभूमि में भारत के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ साथ हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को और प्रॉस्पेरिटी से भी उसकी अनुभूति करेंगे, उसका परिचय करेंगे और एक नई चेतना प्राप्त करके यहां से लौटेंगे। साथियों, उत्तराखंड की इस धरती पर हम सभी ऐसे समय पर एकत्र हुए हैं जब भारत में तेज गति से आर्थिक और सामाजिक बदलाव आ रहा है। देश बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हम नए भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की हर बड़ी संस्था कह रही है कि भारत आने वाले दशकों में वर्ल्ड ग्रोथ का प्रमुख इंजन बनने वाला है। आज भारत की अर्थव्यवस्था और स्थिर हुई है, फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, महंगाई दर नियंत्रण में है। हमारे यहां दुनिया में सबसे तेज गति से मिडिल क्लास का बल्क, मिडिल क्लास का प्रसार हो रहा है। 80 करोड़ से अधिक युवा, ये शक्ति डेमोग्राफिक डिविडेंड आकांक्षा और सामर्थ्य से भरपूर है। साथियों, आज भारत में जिस स्पीड और स्केल पर आर्थिक सुधार हो रहे हैं वो अभूतपूर्व है। पिछले दो वर्षों में ही
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 10,000 से ज्यादा कदम उठाए गए हैं। इन कदमों की वजह से भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसमें 42 अंकों का सुधार किया है। उस सुधार की प्रक्रिया में हमने 1400 से ज्यादा कानून खत्म किए हैं। इसके अलावा भारत में टैक्स व्यवस्था में भी बहुत सुधार किए गए हैं। टैक्स से जुड़े मामलों के समाधान को और पारदर्शी और तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड से आज कारोबार आसान हुआ है, बैंकिंग सिस्टम को भी ताकत मिली है। जीएसटी के तौर पर भारत ने स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म किया है। जीएसटी ने देश को सिंगल मार्केट में बदल दिया है और टैक्स बेस बढ़ाने में भी बहुत बड़ी मदद की है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले वर्ष ही भारत में करीब करीब 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है, यानी करीब करीब 27 किलोमीटर डेली निर्माण की गति से काम हुआ है। ये पहले की सरकारों की तुलना में डबल है। रेलवे लाइन के निर्माण में भी दोगुनी गति से काम किया जा रहा है। इसके अलावा अनेक शहरों में नई मेट्रो, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके लिए भी काम चल रहा है। सरकार 400 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर मैं एविएशन सेक्टर की बात करूं, भारत में ये सेक्टर भी रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रहा है। इस गति को और तेज करने के लिए देश में करीब करीब 100 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाने पर काम किया जा रहा है। उड़ान योजना के माध्यम से देश के टायर 2 टायर 3 शहरों में हवाई कनेक्टिविटी मुहैया कराने की कोशिश जारी है। भारत में 100 से ज्यादा नेशनल वाटरवेज बनाने पर भी काम किया जा रहा है। साथियों, इनके अलावा आज भारत में हाउसिंग फॉर ऑल, पावर फॉर ऑल, क्लीन फ्यूल फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, बैंकिंग फॉर ऑल जैसी अलग अलग अनेक योजनाएं अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ तेज गति से बढ़ रही है। यानी कुल मिलाकर देखें तो आज ये कहा जा सकता है कि चौतरफा परिवर्तन के इस दौर में आपके लिए, देश विदेश के निवेशकों के लिए भारत में सर्वोत्तम माहौल बना हुआ है। अभी हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना की वजह से भी भारत में मेडिकल सेक्टर में निवेश की बहुत बड़ी संभावना बढ़ी है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में टायर 2 टायर 3 शहरों में नए अस्पताल बनेंगे,
मेडिकल कॉलेजेस बनेंगी, पैरा मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस बनेगी, पैरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 50 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को, उस परिवार को 5 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस प्राप्त हो रहा है। मतलब अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको उसकी टोटल जनसंख्या से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। पूरे यूरोप की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और इस बेनिफिट देने के लिए कितनी अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी, कितने डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट की संभावना है, और पेशेंट के लिए पेमेंट अभी से रेडी है। और इसलिए इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए भी रिटर्न का एश्योरेंस है। ये अपने आप में हेल्थ सेक्टर में भारत में पूंजी निवेश का एक बड़ा अवसर आया है, जो टायर 2 टायर 3 सिटी में उत्तम स्तर के अस्पताल बनाने की संभावना बनाता है। साथियों, आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च किया जा रहा है पहले कभी नहीं किया गया। इस वजह से निवेश की अपार संभावनाओं के साथ ही रोजगार के भी लाखों नए अवसर बन रहे हैं। पोटेंशियल पॉलिसी और परफॉर्मेंस, यही प्रोग्रेस का सूत्र है। साथियों, न्यू इंडिया इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन डेस्टिनेशन है, और डेस्टिनेशन उत्तराखंड इस पिरिस्ट का एक चमकता हुआ हिस्सा है। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में है जो न्यू इंडिया हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। आज का उत्तराखंड युवा है, आकांक्षाओं से भरा है, ऊर्जा से ओतप्रोत है। यहां मौजूद असीम संभावनाओं को अवसर में बदलने के लिए त्रिवेंद्र रावत की सरकार, मैं समझता हूं, भरसक प्रयास कर रही है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड का यह मंच इन्हीं प्रयासों की अभिव्यक्ति है। अब महत्वपूर्ण यह है कि इस मंच पर जो बातें हुई हैं, जो विश्वास प्रकट किया गया है, जो उत्साह प्रकट किया गया है, वो जल्द ही जल्द जमीन पर उतरें, जिससे उत्तराखंड के युवा साथियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। साथियों, सबसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उत्तराखंड बनाने का फैसला लिया था तब स्थितियां बहुत मुश्किल थी। राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ बेहतर भविष्य के लिए पहाड़ जितनी चुनौतियां भी हमारे सामने थी, लेकिन आज उत्तराखंड विकास की पटरी पर तेज गति से दौड़ रहा है। बीते 4 वर्षों में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई, उसको बढ़ावा देने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा लघु उद्योगों को हायर क्रेडिट सपोर्ट कैपिटल, इंटरेस्ट सब्सिडी, लोअर टैक्स और इनोवेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। हाल में सरकार ने फैसला लिया है
अब एमएसएमई के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण बहुत ही कम समय में स्वीकृत हो जाएगा। उत्तराखंड में किसी भी प्रोजेक्ट की क्लियरेंस को लेकर निवेशक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए अनेक व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया गया है। परिवेश, इस परिवेश नाम से ऑनलाइन फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए एक पोर्टल काम कर रहा है, जिससे प्रक्रिया आसान तो हुई है, तेज भी हुई है। बीते 4 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। हाईवे, रेलवे, एयरवे, हर प्रकार से उत्तराखंड को कनेक्ट किया जा रहा है। गांव गांव में पक्की सड़कें पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं, 4 धाम ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तीव्र गति से चल रहा है। साथियों, बेहतर कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ यहां के टूरिज्म सेक्टर को मिलने जा रहा है। प्रकृति ने तो इस राज्य को समृद्ध किया ही है, साथ में आस्था और संस्कृति का भी वरदान दिया है। नेचर हो, एडवेंचर हो या फिर योगा मेडिटेशन हो, उत्तराखंड टूरिज्म का एक कंप्लीट पैकेज है, एक आदर्श गंतव्य है। अब तो उत्तराखंड सरकार ने अलग टूरिज्म पॉलिसी बनाकर पर्यटन को इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है, उद्योग का दर्जा दे दिया है। अठारह सालों में पहली बार 13 जिलों में नए 13 डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करके डेवलप करने की पहल की गई है। इससे निश्चित रूप से राज्य के युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे। साथियों, उत्तराखंड में ऑर्गेनिक स्टेट बनने की पूरी संभावनाएं हैं। मुझे प्रसन्नता है कि क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार भी अनेक प्रयास कर रही है। साथ ही देश में फूड प्रोसेसिंग को भी महत्व दिया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने फूड प्रोसेसिंग में 100% 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एफडीआई को भी मंजूरी दे दी है। फूड प्रोसेसिंग के मामले में भी आज भारत दुनिया के अग्रणी देशों में है। चाहे अन्न का उत्पादन हो, फल और सब्जी का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, अनेक क्षेत्रों में भारत दुनिया में पहले 3 स्थानों में है। हमारे किसानों की पैदावार वेस्ट ना हो, उनको उसका अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए फूड प्रोसेसिंग पर हमारा फोकस है। इसमें भी उत्तराखंड का भविष्य स्वर्णिम है। मैं आप सभी से एग्रीकल्चर में, एग्री बिजनेस में निवेश और बढ़ाने का विशेष आग्रह करूंगा। एग्रीकल्चर में होने वाला वैल्यू एडिशन किसानों की आय को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है और मैं मानता हूं
कि हम जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में करेंगे, हम प्रोसेसिंग हो, वैल्यूएडेशन हो, कोल्ड स्टोरेज हो, वेयरहाउसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल टाइप के कैरेजेज हो, ये सारी संभावनाएं हिंदुस्तान की ग्रामीण इकोनॉमी की ताकत और जो भारत की आर्थिक सामर्थ्य को एक नया आयाम देने की संभावनाओं से भरी पड़ी है। साथियों, आज रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत वर्ल्ड लीडर बनने की तरफ अग्रसर है। दुनिया का नेतृत्व करने की ताकत आज हिंदुस्तान में है। हमने तय किया है कि 2030 तक, 2030 तक हमारी 40% बिजली की क्षमता नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड संसाधनों से पैदा हो। इतना ही नहीं, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी सोलर पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आयसा के पीछे भी यही अवधारणा है। दुनिया की ऊर्जा की जरूरतें भी पूरी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारा तो एक ही मंत्र है, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रीड। उत्तराखंड में भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रसार के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हाइडल पावर तो इस राज्य की ताकत है ही, अब सोलार एनर्जी जैसे नए माध्यम की शक्ति जुड़ जाने से उत्तराखंड एनर्जी सरप्लस स्टेट बनने की पूरी क्षमता रखता है। उत्तराखंड हिंदुस्तान को ऊर्जावान बना सकता है, इतना पोटेंशियल उत्तराखंड में पड़ा हुआ है। साथियों, बीते 4 वर्षों में मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड बना है। हमारा आग्रह है, मेक इन इंडिया नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड। दुनिया ने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया है, जिसके चलते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का भी भारत हब बनता जा रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके साथ साथ 120 से अधिक फैक्ट्रियां भारत में काम कर रही हैं। दुनिया के अनेक बड़े ब्रांड आज मेक इन इंडिया का हिस्सा है। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी भारत बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है।